कुछ बगल के प्रदेशों में जो है बंदी या लॉकडाउन की स्थिति रही है, तो गाज़ियाबाद में, नोएडा में, झांसी में, बाकी सब जनपदों में उन्होंने सभी प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों को और रोडवेज को भी निर्देशित किया है कि हर हालत में कोई भी व्यक्ति ऐसा अगर बाहर से आ रहा है तो उसको बहुत सेफली, सुरक्षित घर तक पहुंचाया जाए। ज़रूरत पड़े तो जो भी व्यवस्था करनी हो वो की जाए, ये भी निर्देश दिए हैं। और हम लोगों ने सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया है। अभी गाज़ियाबाद में कल कुछ भीड़ बढ़ी थी, रात भर कम से कम 1200 से 1400 बसेस लगाकर गाज़ियाबाद में जो भी व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर, रोडवेज स्टेशन पर आया था, उनको सुरक्षित घर भेज दिया गया। ये हम कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेंगे। कहीं भी कोरोना के कारण अगर कोई कामगार और श्रमिक आएगा तो सेफली उसको घर पहुंचाया जाएगा। ज़रूरत पड़ेगी तो उसको होम क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, अन्यथा अपने गांव के जो भी आइसोलेशन में व्यवस्था होगी, पंचायत घर में या विद्यालय पर, उस पर भी वो करेगा। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में जो है फॉगिंग, और पूरे प्रदेश में जो फायर डिपार्टमेंट द्वारा सफाई का अभियान किया जा रहा है, इसका भी निर्देश दिया गया है। और फायर डिपार्टमेंट, आपने देखा होगा, पिछले कई दिनों से व्यापक रूप से नगर निगमों के सहयोग से अर्बन एरियाज में जो है फॉगिंग और सफाई के अभियान चालू किए हुए हैं। पुनः हमारा ये जो है कहना है कि जो लॉकडाउन की बात की जा रही है, 2 दिनों का पूरा जो है बंदी रहेगी, शाम को रात को पूरी तरह से बंदी रहेगी। लोग अनुसरण करें, खुद इसको माने, मास्क अवश्य पहने। 90% से ज़्यादा प्रॉब्लम मास्क पहनने से हर व्यक्ति की सॉल्व हो सकती है, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मास्क पर जुर्माना भी चलेगा, विशेष ड्राइव भी चलेगा, और हर जनपद में, विशेष रूप से शहरों में, पुलिस जगह जगह जाकर इसको चेक करेगी, और चेक करने के बाद यदि आवश्यकता पड़ेगी तो जुर्माना भी मौके पर ही, भारी जुर्माना जो है करने की कार्रवाई करेगी। ABP सोचा, जोश, जज्बा, जुनून।